श्री राम समर्थ मार्च 14 गृहस्थी का अपनत्व भगवान की ओर मोड़ो। प्रेम बचपन से ही सब में पैदा हुआ करता है। यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी, इनसे प्रेम कैसे किया जाए यह किसी को सिखाना नहीं पड़ता। एक बार अपना मान लिया तो प्रेम अपने आप पैदा होता है, लेकिन सच पूछो तो यह प्रेम भी स्वार्थी होता है। हम शिकायत करते हैं कि बेटा हमारी नहीं सुनता, वह मनमानी करता है। यदि उससे हमारा सच्चा प्रेम होता तो हम ऐसी शिकायत न करते, लेकिन यह शिकायत में बेटा मेरी नहीं सुनता, यह स्वार्थ छिपा हुआ है, यही अहंकार उसके पीछे है। एक सज्जन मुझसे मिले, मैंने उनसे पूछा क्या लड़के की शादी हो गई, उन्होंने कहा नहीं कल है। मैंने फिर से पूछा बेटा ठीक तो रहता है ना, ऐसा पूछने पर उन्होंने कहा अभी नहीं कहता हूँ, 6 महीने बाद बताऊंगा। देखो यह स्वार्थमय प्रेम इतना अशाश्वत होता है। अब बताओ ऐसे स्वार्थमय प्रेम से सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। गृहस्थी में हम कर्तव्य बुद्धि से बरते तब बेटा मेरी नहीं सुनता की शिकायत निर्माण ही नहीं होगी। सचमुच गृहस्थी किसी एक कार्यशाला की तरह है। कहते हैं कि महाविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के लिए कुछ महीने कार्यशाला में काम सीखना पड़ता है। उस कार्यशाला से उस समय कुछ उत्पादन करने का उद्देश्य नहीं होता, केवल लड़कों को सिखाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। वहाँ सब कुछ सीख लेना पड़ता है। आज हमें उसका कितना उपयोग होगा, उससे कितना लाभ होगा, इसकी अपेक्षा नहीं रखी जाती। उसी प्रकार गृहस्थी परमार्थ की कार्यशाला ही समझे। आज तक के अपने निजी अनुभव का विचार करें तो हमने खुद किया ऐसी बातें बहुत कम होती है। अतः परिस्थिति की बहुत चिंता न करते हुए हम स्वयं अपना कर्तव्य निभाए, हमारी वृत्ति पर उसका परिणाम न होने दे। हर बात घटित होने के लिए उचित समय आना पड़ता है। अतः कर्तव्य बुद्धि से जो कुछ करना हो सो करो, और हे भगवान यह गृहस्थी तुम्हारी इच्छा से चल रही है ऐसा मानो, तो भगवान से अपने आप प्रेम होगा। गृहस्थी के प्रति जो अपनत्व है उसे भगवान की ओर मोड़ो। परिवार के सदस्यों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सीखो तो परमार्थ अपने आप सधेगा, और अपनत्व भगवान की ओर मोड़ देने के कारण भगवान से भी प्रेम होगा। इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, किंतु यह अपनत्व या यह अपनापा पैदा होने के लिए भगवान के बिना हमारा सभी कार्य रुक जाता है ऐसी भावना पैदा होनी चाहिए। इसके लिए उसके अखंड सहवास में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। यह बात उसके नामस्मरण से ही सहज संभव है। आज का मुख्य विचार, पढ़ा हुआ भूलेंगे, देखा हुआ भूलेंगे, किया हुआ भी शायद भूलेंगे तो चलेगा, लेकिन अंतःकरण में कस के पकड़ा हुआ नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.